तो आज हम इस कॉपरो की बैटरी को, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसको हम 100 फीट की ऊंचाई से फेंकेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। यही वो बैटरी है जिसका आज कत्ल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप देख लीजिए बैटरी वगैरह सब सही है बैटरी में। एक बैटरी करीब 6 महीने पुरानी है, तो मतलब वैसे तो खराब हो चुकी है, 6 महीने की वारंटी आती है इसके ऊपर, तो वो खत्म है। तो अभी देखिए, अभी हम इस बैटरी को ऊपर से फेंकेंगे 100 फुट की ऊंचाई से और फिर देखते हैं क्या होता है, क्या फट जाती है, जो कुछ होगा सब आपके सामने होगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो देखिए हम जो ये बैटरी है ना, इस बैटरी को हम मतलब ऊपर से पटकेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये गिरेगी, या जो आप देख रहे हैं हमने बना लिया है। ये इसलिए बनाया है क्योंकि क्या ना, नीचे यहाँ पर गड्ढा है, आप समझ रहे गड्ढा किस चीज का होता है, समझ रहे हो ना। तो क्या ना, गड्ढा फूट नहीं जाए, इस चक्कर में हमने यहाँ ये बना दिया है ताकि अगर बैटरी गिरे तो उसके ऊपर गिरे, उससे क्या कोई दिक्कत नहीं आई। तो देख सकते हैं आप, हम वहाँ से पटकेंगे सबसे टॉप से, इतनी ऊंचाई से हम इसको पटकेंगे, वहीं से हम पटकेंगे, वही नीचे आके डायरेक्ट गिरेगी बैटरी, आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरेगी डायरेक्ट। एक बार मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ कि ऊपर से मतलब कैसा व्यू दिखता है नीचे का। हेलो दोस्तों, तो हम इस बैटरी को यहाँ से फेंकने वाले हैं, आप नीचे देख सकते हैं कैसा व्यू है। ये वो नीचे पत्थर दिख रहे हैं, ये वहाँ पर जाकर गलेगी बैटरी, तो आप बैटरी देख लीजिए पहले एक बार। तो दोस्तों देखिए, ये रही वो बैटरी जिसको हम यहाँ से फेंकने वाले हैं, जो कि करीब करीब 2 किलो की है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये देखिए। तो यहीं से आप फेंकेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो देखिए क्या है ना, कल हम वीडियो बना नहीं पाए थे, उस चक्कर में हम वीडियो आज बनाएंगे, तो देखेंगे तो देखिए कितनी ज्यादा डिस्टेंस है वहां से ये बैटरी फेंकेंगे। दिल थाम के बैठी कि क्या होने वाला है, देखिए वो फेंकने वाला है। 3, 2, 1 तो देखिए दोस्तों, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल फूट चुकी है बैटरी। आप यहाँ देखिए एक बार, पूरी की पूरी फूट चुकी है बैटरी, ये नीचे से ये देखिए दोस्तों, पूरी पूरी बैटरी फूट चुकी है। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए कुछ देखिए, एक पार्ट देखिए इसका यहाँ गिरा हुआ है, बाकी देखिए एक दो पार्ट देखिए यहाँ भी गिरे हुए हैं, पार्ट देखिए यहाँ पर गिरा हुआ है और कुछ नहीं हुआ, पूरी मतलब टूट चुकी है एक तरीके से। ऊपर से देखिए, ऊपर से पूरा खुल चुका है, और ये देखिए नीचे से देखिए ये टूट चुकी है। हम एक बार फेंकेंगे इसको ऊपर से, फिर देखते हैं क्या होता है, इसको फिर से ऊपर ले जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, वो देखिए फिर से ऊपर आ चुका है, तो हम इसको एक बार फेंकेंगे नीचे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो इस बार लगता है कि पूरी पूरी टूटी आई, तो देखिए फेंकने वाला है। 3, 2, 1 दोस्तों, इस बार देखिए पूरी की पूरी मतलब टूट चुकी है अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए आप, इतने सारे पार्ट बिगड़ चुके हैं, ये देखिए अब की बार मतलब पूरी तहस नहस हो चुकी है, पूरी की पूरी टूट चुकी है हमारी वजह से। तो आप देख सकते हैं कितने सारे देखिए टूट चुके हैं, देखिए यहाँ भी डले हैं कुछ पार्ट, देखिए कुछ पार्ट यहाँ डला है, आधा देखिए यहाँ डला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सारे पार्ट्स में टूट चुकी है बैटरी हमारी पूरी की पूरी, ये देखिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको एक बार पहले इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम आपको इन्हें अंदर दिखाएंगे कि आखिर क्या होता है बैटरी के अंदर, 12 वोल्ट की बैटरी के अंदर आखिर क्या होता है। पहले मैं इकट्ठा कर लेता हूँ इसके अंदर, देखिए इकट्ठा कर लेते हैं, देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है देखिए बैटरी के अंदर, आप देख रहे होंगे, ये देखिए छोटी छोटी सी ऐसी प्लेटें होती हैं इस साइज की, और भारी होती हैं बहुत ज़्यादा ये प्लेटें, ये देखिए कितना सारा कचरा बन चुका है हमारा, ये देखिए कुछ कुछ थोड़ा बहुत है, ये देखिए मतलब पूरी बैटरी टूट चुकी है इस समय। ये कौन था इसमें, तो चला गया, देखिए अभी भी देखिए हमने इतना सारे इकट्ठा कर लिए, उसके बाद भी ये देखिए इतना सारे इकट्ठे करने के बाद भी और भी मटेरियल बचा हुआ है, मतलब कुछ है ना के बराबर है अब, तो ये तो टुकड़े बचे हैं बस, बाकी ज़्यादातर हमने इकट्ठा कर लिया है। तो ये अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब कुछ बचा हुआ है, आपने देखा होगा कि हमने बैटरी को 2 बार फेंका तब जाके बैटरी टूट पाई थी, वो इसलिए हो क्योंकि हमने इसको क्या बिल्कुल मतलब सीधे फेंका था, अगर हम उसको जैसे किसी कुन्ने से फेंकते ना, मतलब किसी टेढ़ा करके यहाँ से अगर चोट खाती ना तो डायरेक्ट टूट जाती, क्या ना बिल्कुल सपाट गिरी थी नीचे, उस वजह से उसको 2 बार टूटने का टाइम लग गया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इस बैटरी के अंदर आखिर क्या होता है, तो देखिए मतलब भारी है बैटरी बहुत ज्यादा, तो इसमें क्या ना 6 सेल होते हैं, जैसे जे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ 6 सेल होते हैं इसमें। और देखिए आप, ये देखिए इसमें एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है, ऐसे कुछ होता है। और ये देखिए इसमें जो बीच में लगा ना व्हाइट व्हाइट, एक है सेपरेटर होता है, इससे क्या होता है ना, मतलब एक जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है ना वो कनेक्ट नहीं होता, इस वजह से ये वाइट वाइट है, जो ऐसा ही कुछ इसके अंदर होता है, ये देखिए फट रहा है। और ये देखिए ऐसे कुछ कंटेनर होते हैं 6, अब तो टूट चुकी है पूरी पूरी। और ये देखिए ऐसे निकल रही है, देखिए
बहुत मतलब भारी है बैटरी, करीब करीब 2 किलो की है। मतलब देखिए ऊपर से बिल्कुल नहीं टूटी, ऊपर से तो कुछ खाई नहीं चोट वगैरह, बाकी नीचे से पूरी पूरी टूट चुकी है। ये देखिए, एक मिनट मैं आपको थोड़ी बताता हूँ। ये देखिए बैटरी के अंदर पानी है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए गीले गीली है। समझ रहे हो ना। अभी हमने इसको मतलब कुछ किया भी नहीं है, और ये देखिए ये कनेक्ट है, ये यहाँ पर है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ये देखिए ये यहाँ पर कनेक्ट है, ये इसके माध्यम से पहले हम इसको तोड़ लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये इससे कनेक्ट होता है, और ये ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा और है। पूरी बैटरी टूट चुकी है, तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए एक दूसरे से देखिए यहाँ कनेक्ट होता है। ये देखिए ये एक वाला है, ये मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही कुछ साइड भी है, यहाँ भी कुछ कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। और ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, मतलब पूरी टूट चुकी है। मैं बस कचरा फैला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। ये सब जगह ऐसे ऐसे कनेक्ट है। ये देखिए इसके अंदर सिर्फ ब्लैक है इसके अंदर। तो दोस्तों शायद आपको ढंग से दिख नहीं रहा, पर मुझे दिख रहा है पूरा ब्लैक है। देखिए इसके अंदर ये देखिए यहाँ भी ब्लैक है, ये भी देखिए ब्लैक है। मतलब ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, और कुछ खास होता नहीं वैसे। और ये लेड मेटल की बनी होती है। तो आप देख सकते हैं बैटरी की क्या हालत हुई है। और देखिए ऊपर से ढक्कन लगे हुए हैं, अगर मैं इसको खोलूंगा ना थोड़ा बहुत तेजा होता है इस बैटरी के अंदर। अब देखिए आर पार दिख रहा है बैटरी में। और बाकी देखिए यहाँ से तो ये बिल्कुल टूटी नहीं है, ऊपर से तो कुछ आँच आई नहीं है, सारी नीचे से टूट गई है अच्छे तरीके से। उसमें थोड़ा पानी भी था, मतलब एसिड था। ये देखिए यहाँ पर, और बीच में सेपरेटर लगा हुआ था व्हाइट कलर का, ताकि कनेक्ट ना हो इस उससे। ये देखिए ये देखिए कितना मतलब बिल्कुल वाइट, जैसे कोई नई शर्ट खरीद लाता ना वैसे ही कुछ हो रहा है इसके अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि बैटरी के अंदर आके क्या होता है, और क्या होता है जब हम बैटरी को इतनी ऊंचाई से फेंक देते हैं। तो दोस्तों अब आपका इतना फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमने आपके लिए बैटरी फोड़ दी है। वो इतनी ऊंचाई से इतना रिस्क लेते हैं आपके लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हम आगे चल के इससे और धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे, इससे हटके और इससे बढ़िया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना किसी भी।